ठीक है, ये हर कोई जो है ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मुख्तलिफ प्राइस में मिल रहा है, 1200 से नीचे नीचे है, ठीक है। और मैंने जो ये है ना 600 का लिया है, तो आपको मुख्तलिफ शॉप से मुख्तलिफ प्राइस का मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा पॉलर्स में ये ना यूज़ हो रहा है, तो यूज़ किया भी हुआ है, ठीक है। मैं इसका ना आपको बता देती हूँ, ये देखें बिल्कुल क्रीम क्रीम की तरह ना, क्रीम की तरह है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टिकी कई होते हैं ना, तो हमें वो ना ये थोड़ी देर बाद ना स्किन में जज्ब हो जाएगा। स्किन भी देखें कितनी शाइन कर रही है, और ये लड़कियों के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। और एक ये है मिस रोज़ का, ठीक है, मेकअप फिक्सर नेचुरल, ठीक है, एलोवेरा विद विटामिन ई, एक इन्हीं का एक इसका रवाज झुके का भी फिक्सर स्प्रे ना काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो काफ़ी महंगा हो गया है। कहीं से तो सही मिल रहा है, ठीक है, किसी किसी शॉप से तो सही मिल रहा है, किसी 800 का, 700 का, कोई 1200 का, ठीक है, ऐसे दे रहे हैं, लेकिन ये जो है ना 450 का, ठीक है, 400 का भी दे रहे हैं, 450 का दे रहे हैं। और इनका भी जो है ना, नेट से आप ना सर्च कर लिया करें, गूगल कर लिया करें, ठीक है, उनकी ये वेबसाइट वगैरह होती है, नंबर भी दिए होते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें विटामिन ई, और ये मज़े की बात पता क्या है, स्प्रे और भी बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यूज़ करके आपको ये फील होना कि आपकी बेस पैची नहीं हुई, ठीक है, और बिल्कुल ड्राई ड्राई लग रही है, थोड़ी देर बाद जैसे 2 मिनट बाद ये सूखता है। और इसको लगा के ना स्प्रे करके आपकी जो पाउडर पाउडर लगता है ना फेस पे, जब आप बेस बना लेते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल नेचुरल मेकअप हो जाता है। और सबसे बेस्ट ये है कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी करता है, और दूसरा ये कि हमारे जो होता है ना ये हाइलाइटर, जब ये हम फेस पे कर लेते हैं ना हल्का सा, और दूर से करना एक दफ़ा ही, तो इसके बाद जब हम हाइलाइटर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, और ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जो आप अगर सस्ता सा हल्का सा लोकल भी लें तो वो भी इस तरह ब्रांड की तरह काम करेगा और शाइन करेगा। तो तीसरी ये बात कि इससे आप अपने जो है ना मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने आई शेडो किट से जो है ना इसके जो है ना आईलाइनर कलरफुल बना सकते हैं इसके साथ। और दूसरा ये कि इसे आप मेकअप ब्रश जो है ना अपने पहले पानी से वॉश करें और साथ इसको रख लें, और इसके साथ हल्का हल्का इस तरह जो है ना आगे से हल्का हल्का इसको धोते जाएं और फिर पानी से, और इतने ज़बरदस्त और मिनटों में साफ़ होते हैं। तीसरा ये कि इससे ना आप हमारे जो लूज़ बिल्कुल लूज़ जो ग्लिटर होते हैं ना, बिल्कुल पाउडरी होते हैं, या हम बहुत बहुत बड़ी डब्बियों में ले लेते हैं शाइनर वगैरह, तो वो जो है ना आप इसको हल्का से इस तरह टच करके ना इसको लगाएंगे तो वो क्रीज़ नहीं करेंगे, और इतने ज़बरदस्त लगेंगे ना, इतनी वो ना शाइन देते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियो है वो भी जो है ना जाके देखें, मैं नंबर आपको इसका दे दूँगी, ठीक है, और इनका आप नेट से सर्च करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।